एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित सुखरू गांव पड़ाव। वर्तमान में गांव की प्रधान महारानी देवी हैं। लगभग 2290 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 261 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 101 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 6 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 18 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गाँव में लगवाई गयी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, 8 खडंजे, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में सीसीटाइज रोड, बारात घर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अम्बेडकर पार्क की बाउंड्री, स्वास्थ्य उप केंद्र, शमशान घाट की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानमंत्री ग्राम ब्लॉक शिकारपुर से बोला और हमारे गांव में कुछ हैंडपंपों की आवश्यकता है, 6 हैंडपंप और 3 और बिजली के पोल 18 8 है और सोलर लाइट की बहुत आवश्यकता है गाँव में। बिजली जाने से अंधेरा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गाँव वासियों के लिए और बिजली ट्रांसफर कम से कम 2 और चाहिए, 4 लगे हुए 2 और चाहिए और वर्तमान की स्थिति इस प्रकार है जो कि गवर्नमेंट से हम मांग कर रहे हैं, सामुदायिक अम्बेडकर केंद्र या बारात घर की मरम्मत जो कि पहला बना हुआ है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है और उसकी लगाई पुताई और खिड़की दरवाजे और पानी की व्यवस्था उसमें लाइट व्यवस्था बहुत ज़रूरी है ताकि आम जनता की बारातें वहाँ पर ठहर सकें गाँव की। और स्वास्थ्य केंद्र है गाँव से थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर लगभग है 1 किलोमीटर, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, लगाई पुताई और दरवाजे दरवाजे सब गल चुके हैं, काफ़ी पुराना है, उसे भी रिपेयरिंग की बहुत आवश्यकता है लगाई पुताई के लिए। और अम्बेडकर पार्क अभी पिछली साल ही खाली कराया गया था जो गाँव में कब जिससे था बिटोरा भूसवर रखे हुए थे वो सब करा लिया गया है और इसकी बाउंड्री काफ़ी जरूरत है और इसका एक मूर्ति लगाने की भी आवश्यकता है भीमराव अम्बेडकर बाबा के। शमशान घाट में कोई बाउंड्री नहीं है और इसकी बाउंड्री भी कम से कम 3-4 फीट ऊंचाई की करा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गांव में तालाब पानी है, पोखर नज़दीक है, इसके अंदर का पानी निकास के लिए कोई सुविधा नहीं है और बहुत पानी भरा हुआ है, बारिश के समय गांव वापस पानी गांव में वापस आ जाता है तो इसे भी बहुत आवश्यकता है इसको पानी की निकास कराने के लिए।